हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके किसी भी फैन मोटर, कूलर मोटर या फराठा फैन मोटर का कॉयल नापने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक सिम्फनी मिनी कूलर की स्टेटर दिख रही है। दोस्तों, किसी भी फैन मोटर की, चाहे वो फराठा हो या कूलर मोटर हो जिसमें माला बाइंडिंग हो, उसको बाइंडिंग करने के लिए, कॉयल बनाने के लिए सबसे पहले हमको कॉयल की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो हम कॉयल की लंबाई कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए हमको स्टेटर की पूरा डाटा मालूम होनी चाहिए, मोटर की पूरा डाटा मालूम होनी चाहिए कि मोटर की कितने से कितने स्लॉट में कॉयल बैठी हुई है और इसकी वायर गेज क्या है और इसमें कितने टर्न है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी स्टेटर की साइज नापेंगे। तो दोस्तों, स्टेटर की साइज हम यहाँ से लेंगे या ऊपर से भी आप नाप सकते हैं बाहर। ये मोटाई है उसकी स्टेटर की, ये लमसम 19 mm की है। अंदर से भी नाप सकते हैं आप, ये भी 19 mm की है। और दोस्तों, ये 1 से 4 में पहली कॉयल बैठी हुई थी एक बार, और 1 से 6 में दूसरी कॉयल बैठी हुई थी दो बार। ये दोनों साइड में दो बार बैठी हुई थी। और इस मोटर की दोस्तों रनिंग टर्न थे 112 और स्टार्टिंग टर्न थे 225। इसमें रनिंग का SW था 31 एल्युमिनियम और स्टार्टिंग का SW था 32, ये भी एल्युमिनियम का ही था। और दोस्तों, इसमें 3 स्पीड की ये बदी हुई थी, 3 स्पीड की मोटर है जिसमें स्पीड के लिए 64 टर्न की एक कॉयल और 25 टर्न की एक कॉयल इसमें पहले बैठाई गई थी, उसके ऊपर से रनिंग कॉयल बैठाई गई थी। तो दोस्तों, इसकी कॉयल की लंबाई हम लोग इसलिए नापते हैं दोस्तों कि कॉयल निकालते समय एल्युमिनियम बाइंडिंग की कॉयल टूट जाती है, छोटी हो जाती है, इसकी साइज अच्छी तरह से नहीं निकल पाता है, इसकी साइज को होना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इसकी कॉयल की लंबाई कैसे नापा जाता है, इस तरीके को हम लेकर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कितने से कितने पिच में बैठी हुई है, और उसके बाद से एक हम ऐसे स्लिप लेंगे, एक नंबर की स्लिप है दोस्तों, जो मोटर बाइंडिंग के काम में आती है, इस कूलर मोटर के भी बाइंडिंग में काम में आएगी। और इसके जगह पे आप बाइंडिंग वायर या कोई रस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक स्लिप का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 1 से 4 में छोटी वाली कॉयल एक बार बैठी थी और 1 से 6 में उससे बड़ी वाली कॉयल 2 बार बैठी थी। सेम उसी प्रकार से इस स्लिप को हम बैठाएंगे कि 1 से 4 में एक बार बैठ गई दोस्तों, ये एक बार बैठ गई, और फिर 1 से 6 में ये 2 बार बैठी हुई थी। अब 1 से 6 में एक बार हो गई ये, और फिर एक बार और बैठा दिया जाए इसको, 1 से 6 में 2 बार हो गए दोस्तों ये। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, जिस प्रकार से कॉयल रहती है किसी भी मोटर में। दोस्तों, ये वीडियो जो नए काम सीख रहे हों उन लोगों के लिए है। अब इसको यहाँ से जो पहली वाली ये स्लिप की जो छोर निकली हुई है, इस छोर के पास इसको लाएंगे और ऐसे इसको पकड़ लेंगे यहाँ पे, और फिर इसको खोलेंगे, जिस प्रकार से इसको डाले थे उसी प्रकार से इसको खोलेंगे। अब दोस्तों, इसको खोल लिए, इसकी लंबाई ये हो रही है। अब इसको हम मापेंगे स्केल से कि कितने इंच की है लंबाई इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक 12 इंच ये हो गई, और फिर ये 7 इंच ये हो गई। तो दोस्तों, 19 इंची की ये लंबी कॉयल, इसमें माला बाइंडिंग 19 इंची की लंबी कॉयल के थ्रू इसमें बनेगी। दोस्तों, ये कॉयल मापने का तरीका रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बाइंडिंग के लिए है, क्योंकि सेम एक ही तरीके से दोनों बाइंडिंग इसमें बैठी हुई रहती है। और ये तरीका आप किसी भी इससे बड़े मोटर में भी या फराठा मोटर में भी, जिसमें एक ग्रुप में 3 कॉयल होते हैं जो माला बाइंडिंग होते हैं, उस मोटर का भी इस तरीके से आप कॉयल की साइज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कॉयल की लंबाई निकालने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।